बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़कार हुसैन दानिश। दोस्तों, केनवा एक डिजिटल वेबसाइट है जिसने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है, जिसकी मदद से हम घंटों का काम अब मिनटों में कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो के शुरू में जो आपने थंबनेल देखा है, उसी को अगर मैं फोटोशॉप में बना लूं तो मुझे कम से कम एक घंटा लग सकता है, और इसी थंबनेल को मैंने कैनवा की मदद से सिर्फ 2 मिनट में बनाया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैनवा को 4 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम कैनवा को 4 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो कैनवा का जो फ्री वर्जन है, जिसे हम सारे ही इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जिसमें हमारे लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स हमें मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा टेम्पलेट्स, यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल्स बनाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए, और इसके अलावा ग्राफिक का बहुत ज्यादा काम हम इसमें कर सकते हैं फ्री वाले वर्जन में भी। इसके बाद दोस्तों आता है कैनवा प्रो, जिसे हम 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका दोस्तों, आप सब जानते हो कि हम जो पेड वर्जन होता है उसे पे करके, कैनवा वालों को पैसे देकर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मेरा मशवरा ये होगा कि इतना महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है कैनवा, आप इससे पेड वर्जन को इस्तेमाल कर सकते हो, पैसे देकर आप खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप नहीं खरीद सकते हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तब भी आप कैनवा प्रो जो है वो 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 2 तरीके शेयर करूंगा जिनकी मदद से आप कैनवा प्रो जो है वो बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि वो 2 तरीके कौन से हैं जिनकी मदद से हम कैनवा प्रो को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों तरीका है कैनवा फॉर एजुकेशन, इसे हम फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी कॉलेज या किसी भी स्कूल की ईमेल की ज़रूरत होगी, जिसकी मदद से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो हमने यहाँ पर कैनवा फॉर एजुकेशन, इस पर हमने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक लिंक हमें मिलेगी, आप देख सकते हो कि इस लिंक पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टीचर्स, स्कूल एंड स्टूडेंट, इनमें से हमने सबसे पहले टीचर वाले पे हमने क्लिक करना है। स्टूडेंट वाले पे हमें फ्री में नहीं मिल रहा है, तो हमने टीचर वाले पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे गेट वेरीफाइड पे हमने क्लिक करना है। कंटिन्यू विद जीमेल पे हमने क्लिक करना है, और वो ईमेल यहाँ पे हमने इंटर करना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें इस तरह का इंटरफेस हमें शो होगा, तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है क्लेम कैनवा फॉर एजुकेशन, इस पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप हमें मिलेंगे, अगर हम चाहें तो हम इनमें से किसी को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते हो तो नो थैंक्स पे आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ सवालात हमसे, नाम वगैरह, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, स्कूल वगैरह, स्कूल की लोकेशन वगैरह हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर हमने इनको फिल करना है। फिल करने के बाद फिर कुछ सवालात ये हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे दोस्तों, हमें कैनवा जो है वो फ्री में मिल चुका है, आप देख सकते हो। इस तरह आप कैनवा फॉर एजुकेशन जो है वो फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। ये कैनवा फॉर प्रो ही है, जो कि आप किसी भी कॉलेज या किसी भी स्कूल का आप टीचर हो तो आपको फ्री में ये कैनवा फॉर एजुकेशन आपको मिल सकता है। इसके बाद दूसरा तरीका दोस्तों, आपने इस वेबसाइट पे आना है। अगर आप फ्री में इस्तेमाल करना चाहते हो कैनवा, तो आपने, आप देख सकते हो इस तरह की एक वेबसाइट, इसे गूगल पे आपने सर्च करना है और इस वेबसाइट पे आपने आना है। आने के बाद अगर इस तरह के एड आते हैं तो आपने इनको कट करना है यहाँ से। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू यूज़ कैनवा, तो कैनवा यहाँ पर के से लिखा हुआ है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ टाइमर यहाँ पर शो हो रहा है, जब तक ये पूरा होता है हमने आना है एक न्यू टैब पे, और यहाँ पे सर्च करना है टेम्प मेल, तो एक वेबसाइट आएगी, यहाँ पर हमें एक ईमेल ये वेबसाइट हमें देगी, एक टेम्परेरी ईमेल, तो यहाँ पे लोडिंग हो रही है, तो ये ईमेल हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। हमने यहाँ पे आना है और यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन हमें मिल रहा है, हमने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हमने यहां से गेट हियर पे क्लिक करना है, कंटिन्यू विद ईमेल हमने इस पे क्लिक कर लेना है सबसे नीचे वाले पे। क्लिक करने के बाद यहां पर वो ईमेल जिसे हमने टेम्प मेल के जरिए से निकाला था उसे यहां पर हमने इंटर करना है। करने के बाद यहां पर हमसे नेम पूछ रहा है कि कोई भी नाम हम दे सकते हैं। देने के बाद यहाँ पर हमारी जो ईमेल थी टेम्प मेल, इस पर हमें एक कोड आया होगा,
उसे हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है, इसे हमने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद दोस्तों कैनवा प्रो जो है वो हमें मिल चुका है। अगर दोस्तों यहाँ पे आपका एरर आ रहा है तो आप एक दो घंटे बाद आप फिर से ट्राई कर सकते हो, इंशाल्लाह फिर आपको ये कैनवा यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों इस तरीके से करने से आपको ये कैनवा जो है वो एक हफ्ते से 10 दिन तक मिल सकता है। इसके बाद आपने सेम प्रोसेस इसी तरह दोबारा कर लेना है, फिर से आपको एक हफ्ते से 10 दिन के लिए कैनवा मिल जाएगा। इसी तरह आप कैनवा को फ्री में भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह निगहबान।